ये कहानी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस की, जिसे लोग घोड़ा अस्पताल के नाम से भी जानते हैं। हवा की सरसराहट और तेज कदमों की आहट, जल्द ही आगाज होता है तहकीकी और तदरीसी अमल का। क्लास से कैफे तक युवास की जिंदगी रंगों से भरपूर है। ये बूढ़ा बरगद गवाह है उन रंगों का, कहानियों का, जो इसके जेरे साया तकमील पाती हैं। फरागत के औकात और दोस्तों का साथ, यहाँ जिंदगी के बेहतरीन लम्हात गुजरते हैं। इस यूनिवर्सिटी ने हर एक को जगह दी है। मेहमान हो या मेजबान, अपने अपने हिस्से का मुस्तफीद होते हैं। यूनिवर्सिटी की जिंदगी एक गोल चक्कर पर मुहित है। खुशियों के मौसम में कहकहों का समा होता है, मुस्कुराहटें दास्ताने बनती हैं और वक्त जल्द ही गुजर जाता है। और फिर चढ़ती रुत में मुतजस्सस धड़कने, परेशान चेहरे गमों के पहले पड़ाव को बयां करते हैं, जिन्हें हम मिड टर्म्स भी कहते हैं। और फिर पहिया घूमता है और फाइनल्स के बाद सुकून की लंबी चादर ओढ़ ली जाती है। तिश्नगी इल्म हो या तिश्नगी उल्फत, ये सबको उनकी बसात के मुताबिक सराब करती है। ये अपने से जुड़े हर शख्स के दिल में उतरती चली जाती है। यहाँ लोग ख्वाहिशात और बिखरे ख्वाब लेकर आते हैं। ये उन ख्वाबों को परोकर ताबीर बुनती है, जो उन्हें मंजिल से हमकिनार करती है और वक्त रुखसत मोहब्बतों के लाजवाल खजाने अता करती है। कितनी ही कहानियाँ जो कि लव गार्डन और मेन ग्राउंड में शुरू होती हैं, ये उनको अपने अंदर समो लेती है। यहाँ जब लोग मिलते हैं, साथ में शामें ढलती हैं, तो नई कहानियाँ बनती हैं। वो तमाम कहानियाँ, लम्हात और वाकयात किसी दिल की कैद में जिंदगी की अगली मुसाफितों पर निकल पड़ते हैं और ये सिलसिले यूं ही चलते रहते हैं। यही कहानी है युवास की, इससे जुड़े हर दिल की।